नमस्कार टू ऑल माय ब्यूटी फैमिली। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा नाम है दीपक और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपक फिटनेस के ऊपर। तो गाइस ये जो वीडियो है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल क्यों है वो आपको आगे वीडियो देखते रहो आपको पता लग जाएगा। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके आप एक अच्छी फिजिक बना सकते हो, आपकी जो ड्रीम फिजिक है उसको अचीव कर सकते हो? द आंसर इज डेफिनेटली यू कैन। तो गाइस चाहे आपको फैट लॉस या वेट लॉस करना हो या फिर आपको गेनिंग करनी हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी जो डाइट होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो आपकी डाइट पे सब कुछ डिपेंड करता है। जो ट्रेनिंग होती है वो लगभग सेम होती है, ट्रेनिंग थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं ट्रेनिंग के अंदर, बट ओवरऑल सब कुछ डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। हमारी बॉडी को ओनली जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, हमारा प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट, उससे मतलब है। एज यू नो प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, कार्ब्स हमको एनर्जी देते हैं और कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी वेट में, और जो फैट है वो एक तरीके से हमारी जो रिजर्व एनर्जी है वो होती है। आपकी जो बॉडी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, एग खा रहे हो, फिश खा रहे हो, या फिर आप पनीर खा रहे हो, सोया प्रोटीन खा रहे हो, आपकी बॉडी को उससे कोई मतलब नहीं। आपकी बॉडी को उसकी जो फूड है, आप जो फूड खा रहे हो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है उससे मतलब है। बॉडी को चाहिए प्रोटीन कार्ब्स एंड फैट, दैट्स ऑल। गाइस हर एक फूड की अपनी एक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो आप अगर सही फूड को सिलेक्ट करोगे तो आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके भी आप एक डिसेंट फिजिक अचीव कर सकते हो, आपकी जो ड्रीम फिजिक है उसको अचीव कर सकते हो। और ये बात मैं इतनी श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद वेजिटेरियन डाइट फॉलो करके एक अच्छी फिजिक बनाई हुई है। तो गाइस जब हम लोग बात करते हैं फैट लॉस या मसल बिल्डिंग के बारे में, तो हम लोग बात करते हैं ऑफकोर्स प्रोटीन के बारे में, जो एमिनो एसिड है उसके बारे में, क्योंकि कार्ब्स एंड फैट तो आपको इजीली मिल जाता है। आपकी जो डेली डाइट है, आप जो दिन भर में फूड खाते हो उसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तो आप इजीली ले लेते हो, बट जो प्रोटीन है, जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, दिन भर में जितना प्रोटीन आपको चाहिए उतना आपकी डाइट में आपको नहीं मिल पाता है। और गाइस जब हम कंपेयर करें नॉनवेज डाइट को वेजिटेरियन डाइट के साथ, तो जो नॉनवेज फूड है उसमें आपको इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फिश, चिकन, एग्स, जिसमें आपको जो सारे एमिनो एसिड की चेन है वो आपको उसमें मिल जाती है। बट हम जब बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन जो फूड है उसमें प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे सोर्स है वेज डाइट के अंदर भी प्रोटीन के, जैसे लाइक आपका पनीर हो गया, टोफू हो गया, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एंड आपका वे प्रोटीन एंड चना, बहुत सारे सोर्स हैं। बट गाइस जो वेजिटेरियन फूड है उनके साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस कि उसमें आपको जो प्रोटीन सोर्स है उसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स एंड फैट भी साथ मिलता है। एंड गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट के अंदर वेजिटेरियन जो फूड है उसमें आपको लीन प्रोटीन सोर्स नहीं मिलता है। आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, वे प्रोटीन में कार्ब्स एंड फैट लगभग ना के बराबर होता है, तो आपकी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में वो आपकी हेल्प करेगा। तो गाइस जब कोई बंदा गेनिंग करता है उस वक्त तो वो कैलोरिक सरप्लस में होता है, उसकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे वो ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करता है, तो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं होती। बट प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब कोई बंदा फैट लॉस कर रहा है, जब कोई बंदा कटिंग कर रहा है, तो उस वक्त क्या होता है, आप कैलोरिक डेफिसिट में होते हो, आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे आप कम कैलोरी कंज्यूम करते हो। कटिंग फेज में आप एक एक कैलोरी का हिसाब रखते हो। एंड गाइस आपकी जो डाइट है आप हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हो उस वक्त, तो प्रॉब्लम का आती है आप जो फूड खाते हो उसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स एंड फैट भी मिलता है। एंड एज यू नो 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरीज होती है, जो कि प्रोटीन एंड कार्ब से जस्ट डबल से भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ आपको दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल आप पनीर खा रहे हो, तो पनीर के अंदर क्या होता है, 100 ग्राम पनीर के अंदर जितना आपको प्रोटीन मिलेगा उतना ही आपको फैट भी मिलेगा। एंड गाइस उस टाइम आप कैलोरी डेफिसिट में होते हो, तो आप इतनी ज़्यादा कैलोरी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो गाइस उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपकी जो ऑल ओवर डाइट है उसमें जो फैट एंड कार्ब्स का जो अमाउंट है उसको आपको कम कर देना है, क्योंकि आप जो प्रोटीन फूड खा रहे हो उसमें आपको प्रोटीन के साथ साथ आपकी जो फैट एंड कार्ब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी वहाँ से फुलफिल हो रही है, तो आपकी जो दूसरी डाइट है जिससे आप फैट एंड कार्ब्स कंज्यूम कर रहे हो तो वहाँ से आपको उसका जो अमाउंट है वो कम कर देना है। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी डाइट के ऊपर फोकस करके
आप अपना थोड़ा माइंड यूज करके आपकी डाइट को मैनेज कर सकते हो एंड आपकी जो ड्रीम फिजिक है उसको आप अचीव कर सकते हो। डजंट मैटर कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, जो वेजिटेरियन डाइट है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, एक अच्छी सी डाइट प्लान आपके साथ शेयर करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आपको कमेंट करना है, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी और ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो गाइस ऐसे ही और वीडियो के लिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो चैनल के ऊपर, तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, रेड कलर का बटन नीचे प्रेस द बटन एंड पास में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि आप आने वाली मेरी जो वीडियो है फ्यूचर में उसको आप मिस नहीं करोगे। एंड गाइस वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यार किस बात की देरी कर रहे हो। आपके भाई का चैनल है, आपके भाई का अकाउंट इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो जाके आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, हम लोग ढेर सारी बात वहाँ कर सकते हैं। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपके माइंड में फिटनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो गाइस आप बेझिझक मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर वो चीज़ आप शेयर कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारी ढेर सारी बातें वहाँ कर सकते हैं। तो गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, सपोर्ट करो अपने भाई को। एंड गाइस एट द एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, कनेक्ट रहिएगा, तब तक के लिए लव यू।